आ रहे हैं दोनों, इन्हें चाहिए बिस्किट। ओए आ जा। तो अब बहुत समझदार कुत्ते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आगे जा, पता है ऐसे गाड़ी कहाँ खड़ी है। आ जा ओरी इधर आ जा जल्दी। हाय गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई काफी दिन से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, ब्लॉग का क्या है यार, कभी कभी होता नहीं है। और अभी मेरे मतलब पेपर ख़त्म हुए बिल्कुल, तो मेरी मतलब लास्ट ईयर जो थी एलएलबी की वो ख़त्म हो गई है। तो अब देखेंगे कहीं लगेंगे किसी के नीचे सीखेंगे। तो भाई एक मैं चीज़ दिखा रहा था कि बता रहा था मैं जब वीडियो बना रहा अभी तो मतलब आवाज़ आ रही थी तो बनी नहीं, तो मैं अपनी मतलब गाड़ी के लिए बता रहा था कि 1 लाख चल गई है। तो दिखाता हूँ मैं अभी आपको, देखो भाई 1 लाख चल गई है और मतलब एवरेज भी देखो काफ़ी अच्छा मैंने अभी जो निकाला है जितनी अभी चली है 21 का और ऊपर देखोगे आप तो 19 का तो मतलब देती है ये 19 18 19 का मतलब एवरेज दे रही है काफ़ी, मतलब साइज अच्छा है इसका क्रेटा का, पर जब भी सिटी में आपको दे देती है अच्छा एवरेज, और हाईवे पर तो 24 25 का दे देती है। तो मैं ये बोल रहा था कि 3 साल भी नहीं हुए और हमने 1 लाख चला दी, तो ये हमारी मतलब 8वीं या 9वीं गाड़ी है जो मतलब हमने काफ़ी चलाई है गाड़ी, 1-1 लाख 2-2 2.5-2.5 लाख एक शिफ्ट भी है वो भी 2.5 लाख चला रखी है। उससे पहले स्कॉर्पियो इनोवा थी वो भी 1-1 लाख ऐसी चला के हमने बेची थी। तो ये भी देखो काफ़ी चल गई है, मतलब होंडाई की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये बता रहा था मैं कि बोलते हैं मतलब इसको कंपेयर करते हैं ना ज़्यादातर सुजुकी से, तो मतलब सुजुकी से देखो अभी आप देखो तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेंटेन है गाड़ी, मतलब ऐसे कोई रिगस जाते हैं मतलब जल्दी ख़राब हो जाती है प्लास्टिक वगैरह वो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसकी क्वालिटी बटन्स वगैरह जो भी हैं जितने भी हैं जल्दी ख़राब नहीं होते, और बाकी इंजन वगैरह भी कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम से मेंटेन करनी चाहिए गाड़ी, और टाइम से मेंटेन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाख भी चलेगी 2 लाख भी चलेगी। तो होंडाई की काफ़ी अच्छी है, जैसे इसके स्टीयरिंग हो गया क्लच वगैरह हो गए काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, और अब भी सॉफ्ट ही है, मतलब 1 लाख चल गई तो ऐसा नहीं कि दिक्कत आ रही है कुछ। भाई रोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, फील आ रही है चलाने में। तो मैं ये बता रहा कि ये काफ़ी ज़्यादा लाइफ है इसकी गाड़ी की, मेंटेन रखो तो आप, होंडाई अच्छी बनाती है गाड़ी, सुजुकी से तो काफ़ी बेटर है क्वालिटी वाइज, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। क्रेटा तो है ही पहले से ही नामी गाड़ी है, काफ़ी चल रही है। और ये वाला जो सेफ साइज़ है इसका काफ़ी अच्छा है, और इसके दीवाने भी हैं भाई ब्लैक कलर काफ़ी ज़्यादा, हमने तो वाइट लिया, देखो बोनट पे दिख रहा हो, 3 महीने की वेटिंग थी तो हमने वाइट ही ले लिया। तो काफ़ी फीचर्स इसमें मतलब जो अब आ रही है यही मॉडल, तो कम से कम 2.5-3 लाख रुपये महंगा है इससे, हमने काफ़ी अच्छे रेट में ले लिया और उन्होंने काफ़ी फीचर्स मतलब इसमें से कम कर दिए हैं। जैसे आपको ये इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट मिल जाते हैं साइड मिरर, उसमें नहीं है, फेंडर पे सी फेंडर पे वो मिल जाते हैं इंडिकेटर इसके, इसके नहीं और मतलब जो अब आ रही है इसमें मिरर पे मिलते हैं साइड में। तो ये काफ़ी चीज़ें इन्होंने मतलब फीचर्स हटा दिए हैं और गाड़ी महंगी भी कर दी है, तो ये हमें काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, गाड़ी अच्छी रेट में मिल गई थी हमें जब ही हमने ले ली, और जल्दी मिल गई थी, इस पर 1.5 साल की वेटिंग थी, हमें 1 महीने में ही मिल गई। बाकी आप सामने का नज़ारा देखो कैसा लग रहा है, और आज मैं आपको अपना घर और दिखाता हूँ कितना काम हो गया। अच्छा शायद ग्रिल वगैरह लगेंगी, मैं नहाया नहीं हूँ, थोड़े बाल वाल और सेट मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, मैं नहाया नहीं हूँ सुबह का समय। तो अभी मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको, ये मैंने वीडियो काट दी रख दिया था फ़ोन की, मैं बता देता हूँ एक गाड़ी और है भाई जो आ रही है, गैस करो 35 से 40 लाख मतलब 30 से 40 लाख के बजट में जो गाड़ी है, बताना आप मुझे कमेंट में कौन सी गाड़ी है। तो पाइपलाइन में है भाई, गाड़ी आने वाली है जल्दी ही, या तो न्यू ईयर तक या न्यू ईयर से पहले। और कलर बता देता हूँ मैं, ये जो मैंने पहन रखा है इसी कलर में, ब्लैक कलर में गाड़ी है, उसका भी ब्लॉग आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो गैस करो और बताओ मुझे कमेंट में कौन सी है। आपने देख सकते हैं अभी हम नोएडा हाईवे से ग्रेटर नोएडा की तरफ आ रहे हैं, सुबह का समय है, सुबह के भी मतलब काफ़ी 12 बज गए यार, अब सुबह तो काफ़ी भीड़ हो जाती है, मतलब जाते हैं लोग इधर उधर जॉब वगैरह पे। भाई देखो अभी भीड़ मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर नोएडा में भीड़ हो गई है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। और ये रहे भाई हमारे योगी बाबा, भाई ग्रेटर नोएडा भाग गया योगी बाबा को, भाई टैक्स भी सबसे ज़्यादा दे रहे हैं हम ग्रेटर नोएडा से, भाई नोएडा और ग्रेटर नोएडा और यमुना में मतलब काफ़ी ज़्यादा टैक्स इनको जाता है सरकार को। भाई सामने जा रही है BMW X1, अच्छी कर दी, साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया इसका,
पैसे भी बड़े कर दिए, साइज भी बड़ा कर दिया, पैसे भी, मतलब गाड़ियों के रेट भाई बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जो आप पहले इससे बड़ी वाली ले सकते थे, जो आप अब उस रेट में ये आ रही है, X3 ले सकते थे, तो जब अब X1 आ रही है इतने रेट में। भाई सुबह सुबह भैया को उद्घाटन कर दियो भाई, चालान बीच में खड़े हैं बिल्कुल, मेरे भी कर दे भाई, यूपी 16 को कम करें, बाइक वगैरह का ज़्यादा करते हैं चालान, हेलमेट नहीं पहना रोंग आ रहा है। वैसे यूपी 16 देख के नंबर की ज़्यादातर रोकते नहीं हैं, लोकल की मतलब गाड़ी, मूड की बात है भाई, कभी कभी कर भी देते हैं। पूछ गए अपने सेक्टर में, घर दिखाता हूँ कितना काम कंप्लीट हो गया। पर भाई एक चीज़ है, जैसे अब हम सेक्टर सोसाइटी से मतलब सेक्टर में आ रहे हैं, मतलब बचपन से मैं सोसाइटी में रहा हूँ, 8th क्लास से ज़्यादातर मैं सोसाइटी में, उससे पहले सेक्टर में थे, तो इन्वायरमेंट जो है ना सेक्टर का ज़्यादा बेकार है, और मतलब लोग भी बेकार हैं, सोच भी बेकार है। अब क्या है कि जैसे हम हमारा घर बनना है, तो हम क्या सोचते हैं भाई, मतलब डिफरेंट होना चाहिए सबसे, मतलब घर है अपना तो सबसे अलग होना चाहिए, अलग मटेरियल होना चाहिए, अच्छा मटेरियल होना चाहिए। और यहाँ जो लोग सेक्टर में सोचते हैं भाई इसका अच्छा लग रहा, चलो भाई ऐसा बना देते हैं, तो अभी क्या है हम यहाँ एक घर बनना है अभी नया, किसी ने मतलब हमारे जैसे वो लगवा लिए, सीट वगैरह लगवाएंगे, हमने लूवर्स में लगवाई थी, सीट तो लगवाई थी पर लूवर्स वाले डिजाइन में लगवाई थी, उसने भाई ने हमारे जैसी कॉपी कर दी, ये रही इसने लगवाई है, और अपना घर बोरा सामने बड़ा सा दिख गया होगा, चलो दिखाता हूँ, यहाँ ब्रीजा खड़ी है उधर, ये रहा आज ग्रिल लग रही है। दोस्त का बनना भाई घर बिल्कुल सामने ही, मतलब देखो भाई साइज काफी बड़ा लगता है, कैमरे में पता नहीं लगता जी भाई, सारा हो गया कंप्लीट। ये भाई अपना पुट्टी का काम चल रहा है, ग्रिल वगैरह लग रही है, एल्यूमिनियम की है ये, मेरा भाई अपना मेन हॉल, ये किचन है, काफी बड़ी किचन है भाई ये साइज में, देखो आप ज्यादातर काम कम्प्लीट हो गया, फर्नीचर का काम और शीशे वगैरह डोर वगैरह का काम रह गया, बस ये एक रूम है, एक ये रूम है।